हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज डिस्क्राइब योर फेवरेट मूवी। अपनी कोई फेवरेट मूवी डिस्क्राइब करनी है। सो गाइस, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैन एंड वेयर यू वॉच्ड, कितने अते कदों ये मूवी जी तुसी देखी? वट टाइप ऑफ फिल्म इट वॉज, केड़ी टाइप की फिल्म है ये? वट द फिल्म वॉज अबाउट, किस दे बारे सी ये फिल्म सी जी? एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ योर फेवरेट फिल्म, एक्सप्लेन करो कि ये फिल्म तुहाडी फेवरेट क्यों है? आई लव वॉचिंग मूवीज़, मैं मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। इट एक्ट्स एज अ ग्रेट स्ट्रैस बस्टर फॉर मी, ये मेरे लिए ग्रेट स्ट्रैस बस्टर का काम करता है। मीन्स मेरा स्ट्रैस दूर होंगे जो मैं मूवीज़ देखती हूँ। इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू वॉच एक्शन एंड कॉमेडी मूवीज़, मैं फ्री टाइम के एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखती हूँ। टूडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फेवरेट मूवी, द नेम ऑफ दैट मूवी इज़ माला माल बीकली। अज मैं मेरी फेवरेट मूवी बारे गल कर जा रही हाँ, तो उसका नाम हैगा माला माल बीकली। इट इज़ अ कॉमेडी मूवी। आई वॉच दिस मूवी फर्स्ट टाइम अबाउट 3 ईयर्स अगो वैन माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी टू वॉच दिस मूवी। एक कॉमेडी मूवी है, ये मैं फर्स्ट टाइम 3 ईयर पहला देखी सी जो मेरे फ्रेंड ने मैंने रिकमेंड किया मूवी देखने लिए। फ्रॉम दैट डे इट हैज़ बिकम माई फेवरेट फिल्म, उस दिन तो ये मेरी फेवरेट फिल्म बन गई है। आई वॉच दिस मूवी सो मैनी टाइम्स, इन फैक्ट आई रिमेंबर ईच एंड एवरी डायलॉग ऑफ दिस हिलेरियस मूवी। उस दिन तो ये मेरी फेवरेट मूवी बन गई है, तो मैं इनू बहुत ही ज़्यादा बारी देख चुकी हूँ। तो इनफैक्ट कहने मैनू इहदा हरेक डायलॉग भी याद है इस हिलेरियस मूवी का। रीसेंटली आई वॉच दिस मूवी लास्ट वीक अगैन, मैं लास्ट वीक भी ये देखी सी दोबारा तो मूवी सी जी। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन एंड स्टारिंग परेश रावल, ओम पुरी, रितेश देशमुख एंड राजपाल यादव। ये लिखी तो डायरैक्ट किने की है? प्रियदर्शन ने। तो ये जो एक्टर है स्टार है वो है परेश रावल, ओम पुरी, रितेश देशमुख ते राजपाल यादव। दिस मूवी टेक्स प्लेस इन द लाहौली विलेज वेयर लीला राम इज़ द ओनली एजुकेटेड मैन इन द विलेज। ये मूवी लाहौली विलेज के बनाई गई है, जिदे जो लीला राम है, लीला राम मीन्स परेश रावल का नाम है उस मूवी के, वो इकला ही पढ़िया लिखा आदमी है उस पिंड का। ही हैज़ द जॉब ऑफ इंटरमीडिएरी बिटवीन द लॉटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड द विलेज। वो इंटरमीडिएरी है लॉटरी ऑर्गेनाइजेशन के विलेज के, मीनस लिंक है उन्होंने विचाले, मीनस उन्होंने विचकारला आदमी है वो। ही वॉज लॉटरी टिकट्स एंड सैल दैट टिकट्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज। वो लॉटरी टिकट्स खरीद है, तो जिहड़ियां वो टिकट्स वो अपने लोगों अपने पिंड के लोगों बेचता है। दैन वन डे ही रीड्स दैट वन ऑफ हिज टिकट्स हैज़ वन द टॉप प्राइज ऑफ 1 करोड़। एक दिन उन्हें की देखा की पढ़िया कि उन्होंने जी टिकट्स उन्होंने एक टिकट में फस्ट प्राइज मिल लगे 1 करोड़ वाला। द नेम ऑफ द परसन हू वन फस्ट प्राइज इज़ एंथनी। वो परसन का नाम की जिन्हों ये प्राइज पहला नाम लग्या सी एंथनी से नाम। वैन ही गोज़ टू एंथनीज हाउस फाइंड सिम डैड, जो एंथनी के घर जाता है तो वो की देखता है? एंथनी है जोड़ा वो डैड होंदा, मीनज वो मर गया होंदा, एंथनी होंदा जिहड़ा। एट फर्स्ट ही शॉक्ड, दैन आफ्टर थिंकिंग ही डिसाइडेड टू गैट दैट 1 करोड़ लॉटरी टिकट फ्रॉम एंथनीज हाउस। सब तो मीनज पहला तो शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता उन्होंने देख के, मीनस भी जो डैड पिया होंदा उन्होंने देख के। उस तो बाद सोचता है तो फिर वो की डिसाइड करता है कि जो 1 करोड़ की जी लॉटरी टिकट वो मैं एंथनी के घर तो लेनी है। सो दिस मूवी इज़ अबाउट हाउ ही गैट लॉटरी टिकट एंड हाउ ही मैनेज टू गैट 1 करोड़ रुपीज़। सो ये मूवी कि बारे भी वो किमें लॉटरी टिकट लेंदा तो किमें 1 करोड़ रुपीज़ अपने बल कर किमें वो मैनेज करता है सारा। ओमपुरी एंड अदरस ऑलसो हैल्प हिम इन दिस मिशन। ओमपुरी एज एक्टर तो होर है वो भी हैल्प करते इस मिशन के उसकी। ऑल दो एक्टिंग ऑफ ऑल आर फैबुलस बट मोस्टली आई लव परेश रावल्स एक्टिंग। भावें कि सारे जोड़े एक्टर वो काम करते सारा की बहुत वधिया एक्टिंग है, पर मैं सब तो वधिया की दी एक्टिंग लगी परेश रावल दी। ऑल द सीन्स एंड डायलॉग्स आर हिलेरियस, वी कैन नॉट कंट्रोल अवर लाफिंग। सारे सीन्स के डायलॉग्स के हिलेरियस है, बहुत ही हासी वाले है, तो असं अपना जोड़ा लाफ है उन्होंने कंट्रोल नहीं कर सकते। द फेस एक्सप्रैशन ऑफ परेश रावल मेक मी लाफ एवरी टाइम। जोड़े फेस एक्सप्रैशन दिता परेश रावल जी इस मूवी के, बहुत ज़्यादा हासी मीनज मेरे हासी आँदी उन्होंने फेस एक्सप्रैशन देख के। देयर वॉज नॉट अ सिंगल बोरिंग मूमेंट इन दिस मूवी। ये कोई भी सिंगल जरा कोई बोरिंग मूमेंट नहीं, कोई भी डल मूमेंट इस मूवी के है नहीं। वैन एवर आई डू नॉट फील गुड और टायर्ड आई ऑलवेज प्रीफर टू वॉच दिस मूवी। जो भी मैं वधिया फील नहीं कर रही हूँ, टायर्ड महसूस कर रही हूँ, तो मैं हमेशा इस मूवी को प्रेफरेंस दिनी हूँ देखने। दिस मूवी रियली हैल्प मी टू रिजुविनेट। ये मूवी मैंने बहुत हैल्प करती है रिजुविनेट होने, तरोताज़ा होने। अपार्ट फ्रॉम मी माई फैमिली ऑलसो लव टू वॉच दिस ग्रेट फिल्म। मेरे तो बिना मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है इस फिल्म। आई डेफिनेटली रिकमेंड एवरी वन टू वॉच दिस मूवी इन ऑर्डर टू फील रिलैक्स। मैं हर एक रिकमेंड करती हूँ कि ये मूवी
ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ਿਓਰ ਆਫਟਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਵਾਚ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਅਗੈਨ ਐਂਡ ਅਗੈਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।